नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। करनाल जो कि करण नगरी है, अपने साथ कई इतिहास समेटे हुए है। करनाल की करण नगरी के इतिहास के एक पन्ने की आज हम बात करेंगे। करनाल में स्थित करणताल पार्क में राजा करण का गौरवमयी इतिहास छिपा है। इसी जगह पर महाभारत के युद्ध के दौरान राजा करण का सैन्य शिविर हुआ करता था। यहां पर वह प्रतिदिन सरोवर में स्नान करके अपने भार के बराबर ब्राह्मणों को सोना दान किया करते थे। तत्पश्चात ताल के चारों ओर स्थापित 5 मंदिरों में वह पूजा अर्चना करते थे। राजा करण का यह ताल आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और फिलहाल यह आज भी स्थापित है। वहीं सरकार ने इसे संजोकर रखा हुआ है। इसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं, लेकिन मौजूद समय में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते यहां पर्यटक कम आ रहे हैं। जब इस ताल का निर्माण किया गया था, उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल और करनाल नगर पालिका के सहयोग से इसे बनाया गया था। लेकिन बढ़ते समय के साथ साथ और कुछ खामियों के चलते इसे नया रूप दे दिया गया। आपको बता दें कि इसे नया रूप 14 दिसंबर 2016 को दिया गया था। नए रूप के साथ इस ताल का नवीनीकरण हुआ तो यह ताल देखने लायक ही नहीं बन गया, बल्कि यहां पर पर्यटकों का जमावड़ा भी लग गया। आपको यहां यह भी बता दें कि दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार्य में ही करण को जन्म दिया था। लोक लाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी अधीरथ को करण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले गया। करण को अधीरथ की पत्नी राधा ने पाला, इसीलिए करण को राधिये भी कहा जाता है। कुंती सूर्यपुत्र करण को महाभारत का एक महत्वपूर्ण योद्धा माना जाता है। करण के धर्म पिता तो पांडु थे, लेकिन पालक पिता अधीरथ और पालक माता राधा थी। कर्ण दानवीर के रूप में प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने कवच कुंडल दान में दिए और अंतिम समय में सोने का दांत भी दे दिया था। कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघ अस्त्र था। इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। इसके प्रयोग से भीम पुत्र घटोत्कच मारा गया था। कुंती के अन्य पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उसके भाई थे। दूसरी ओर राधा का पुत्र शोण भी उसके भाई के समान थे। दूसरी ओर उसने गुरुद्रोण और परशुराम से अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वीरसेन, सुपेण, वृषकेत नामक 3 पुत्र मिले। दूसरी सुप्रिया से चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन, भानुसेन नामक 3 पुत्र मिले। माना जाता है कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुनरुवी भी कहा जाता था। भीष्म के अनंतर करण कौरव सेना के सेनापति नियुक्त हुए थे। अंत में 3 दिन तक युद्ध संचालन के उपरांत अर्जुन ने विशेष परिस्थितियों में उनका वध कर दिया। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो पांडवों की हार निश्चित थी। आज के समय में यह पार्क पर्यटकों के लिए एक दर्शनीय स्थल है, क्योंकि वहां स्थापित राजा कर्ण की विशालकाय प्रतिमा और आने वाले पर्यटकों के लिए अन्य कई सुविधाएं उन्हें अपने ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सबसे प्रसिद्ध और पुरातन करणताल पार्क में। मैं आपको बता दूं कि इसका 2016 में सौंदर्यकरण किया गया था, इसका जीर्णोद्धार किया गया था। मैं इसके थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं कि यह करणताल पार्क
कुंती पुत्र कर्ण के नाम से रखा गया है क्योंकि उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों का साथ दिया था और उस समय इनका यहाँ पर इन्होंने अपना सैन्य शिविर यहाँ पर बना रखा था। इनके बारे में आपको और बता दूँ कि राजा कर्ण प्रतिदिन अपने वजन के मुताबिक सोना सुबह उठकर ब्राह्मणों को दान किया करते थे और यह पार्क इसलिए भी मशहूर है क्योंकि इसके इसके चारों ओर से पांच मंदिर हैं जो कि पांडवों का अभिवेदन करते हैं और उन्हीं मंदिरों में राजा कर्ण सुबह दान करने के बाद सरोवर में स्नान करने के बाद वह पूजा करने के लिए जाते थे। तत्पश्चात वह लड़ाई के लिए आगे निकलते थे। इस स्थान पर उनका सैन्य शिविर भी था जो कि करनाल से थोड़ी ही दूरी पर स्थित अमीन गांव में भी लड़ी गई थी महाभारत की लड़ाई। मैं आपको यहां पर और दिखाना चाहूंगा कि इसका जब से सुंदरीकरण किया गया है इसकी खूबसूरती को 4 चांद लग गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजा कर्ण की एक विशाल का प्रतिमा लगी हुई है और एक सरोवर भी बना हुआ है। और यह प्रतिमा 2016 में स्थापित की गई थी जब इसका सुंदरीकरण किया गया था। तब से लेकर इस पार्क की बनावट को 4 चांद लग चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तो दोपहर का टाइम है, आपको लोग भी कम नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर आप साफ़ सफाई बिल्कुल देख सकते हैं कितनी दुरुस्त साफ़ सफाई है कि मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यह है। इसे 2016 में माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर और उस समय के सांसद रहे अश्विनी चोपड़ा तथा करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता द्वारा 14 दिसंबर 2016 को इसका सुंदरीकरण किया गया था। उसके आप इस तरफ देख सकते हैं कि किस तरह से यह सरोवर बना हुआ है। हालांकि अभी दिन का समय है, यहाँ पर अभी सरोवर फाउंटेन नहीं चलेंगे, लेकिन शाम होते यहाँ पर लोगों की चहल पहल इतनी बढ़ जाती है कि लोगों का सुकून मिलता है। हरे हरे छायादार पेड़ पौधे भी हैं, बच्चों के लिए झूले हैं जहाँ पर बच्चे झूल सकते हैं। इसके द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों को बैठने के लिए गुंबद बनाए गए हैं, छायादार गुंबद हैं, यहाँ पर बेंच लगाए गए हैं, लोग बैठ सकते हैं, गुंबद है। और शाम होते यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना भी लगा रहता है, लेकिन अभी थोड़ी लॉकडाउन हम कहें या अनलॉक कहें या फिर कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर लोगों का आना जाना थोड़ा सा कम है, लेकिन जिस तरह से यहाँ की साफ़ सफाई की गई है नगर निगम करनाल द्वारा, वह काबिला तरीके आपको बता दें कि जब इस पार्क का शुरू में निर्माण किया गया था उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसी लाल के द्वारा और करनाल की नगर पालिका द्वारा इस करनताल पार्क का निर्माण किया गया था, लेकिन उसके बाद इस पार्क की दशा लगातार बिगड़ रही थी। लेकिन 2016 में इसका फिर से सुंदरीकरण किया गया था और जनता को सुपुर्द कर दिया गया था। उसके बाद से जनता का यहाँ पर लगातार आना जाना जारी है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते यहाँ पर लोगों का कम है। लोग आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अभी छायादार पेड़ के नीचे बैठे हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले आपका नाम? प्रवीण। सर, कहाँ से आप? मॉडल टाउन से। सर, ये पार्क आपको कैसा लगता है? ठीक लगता सर। यहाँ पर कोई आपको खूबी लगती है? हाँ, अभी पहले और अब के अंतराल में और अब के समय में कितना फर्क आ गया होगा? पहले यहाँ काफी लोग आया करते थे, अब कम आते हैं। कम तो बीमारी की वजह से आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जब भी आप यहाँ पर आते हैं आपको कमी लगती है कि हाँ, अगर नगर निगम को यह कहा जाए कि हाँ थोड़ा सा इसको साफ सफाई की या थोड़ा सी और मुरम्मत की जरूरत है, लेकिन मैंने तो जहाँ तक मेरी नजर गई है मुझे तो ऐसी कोई कमी नहीं लगी यहाँ पर अभी तक। आपको क्या लगता है? नहीं, सही है वैसे, पार्क साफ सफाई ठीक हो रही है। हाँ जी। आपको भी शाम के समय आए? शाम के समय नहीं, कभी कभी आता हूँ यहाँ पे मैं। सर, आप अमित अमित जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के सुंदरीकरण के बारे में? जो सरकार ने या सरकार द्वारा और करनाल के नगर निगम द्वारा इसका सुंदरीकरण किया गया था 2016 में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? करनाल की अच्छी पहल थी? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया थी। अभी भी वैसे यह साफ सुथरा बढ़िया, लोग आ रहे हैं। ठीक। एक और सज्जन हमारे साथ मौजूद है। सर, आप कहाँ से? डिस्ट्रिक्ट पानीपत से हैं सर। आप यहाँ किसी काम से हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। तो अभी यहाँ पर आराम के लिए बैठे हैं? हाँ जी, हाँ जी। तो सर, आपको यहाँ पर बैठा हुआ कैसा लगा? बढ़िया महसूस हो रहा है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा जी, अच्छी हवा चल रही है, बहुत बढ़िया। ये राहगीर हैं, ये पानीपत से या करनाल में किसी काम से हैं, लेकिन किसी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए इंतजार में ये है यहाँ बैठे हैं। ये इनका ये कहना है कि यहाँ पर ठंडी और छायादार और हवादार हवा चल रही है जिस कारण ये राहत महसूस कर रहे हैं। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम करनाल की। करनाल। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के बारे में जो सरकार? मैं तो देखता आ रहा हूँ 6-7 महीने से बराबर खराब हो रही है पार्क। इसमें बैठना उठना ये कोरोना की वजह से बैठना उठना बंद कर दिया था, उस चक्कर में इधर पब्लिक आना कम कर दिया और इसमें गंदगी साफ ये बहुत कर रखी है। ये काफ़ी फर्क पड़ा है इसमें 6-7 महीने में। इससे पहले थोड़ी बहुत साफ थी, काफ़ी गंदगी होने लगी इसमें। सर, इनका ये कहना है कि 6-7 महीने जब से ये कोरोना की महामारी वैश्विक महामारी स्टार्ट हुई है तब से यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो गई यहाँ पर साफ सफाई को लेकर, लेकिन इससे पहले यहाँ पर लोगों की अच्छी चहल पहल होती थी। मैं आपको एक और दिखा दूँ, देखिए किस तरह से यहाँ पर एक जो नगर निगम के कर्मचारी होंगे ये किस तरह से देखिए बड़े हुए पौधों की कटाई भी करते आ रहे हैं। मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा कि इनकी ड्यूटी आवर्स कैसे हैं और इनको क्या जिम्मा दिया गया है। हाँ जी सर, भाऊ जी सर, आप यहाँ पे क्या काम करते हैं?
यहाँ पर आप रेगुलर आते हैं, प्रतिदिन आना होता है, कैसे करते हैं? नहीं रेगुलर तो नहीं जी, सारे पार्कों में जाते हैं। सारे पार्कों में जाते हैं। तो आप नगर निगम की तरफ से कि प्राइवेट है? प्राइवेट है जी। प्राइवेट है। तो यहाँ पर इस पार्क को लेकर आपका क्या कहना है, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं है जी। आप अपना काम बखूबी कर रहे हैं? कभी किसी ने कम्प्लेंट की हो कि हाँ जी घास बढ़ गई, पौधे बढ़ गए, ऐसा कुछ दिक्कत रही हो? नहीं जी, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आई है। देखिए इनका ये कहना है कि ये भी पार्कों में मालिक का काम करते हैं, लेकिन कभी भी इनको किसी तरह से कोई भी कम्प्लेंट नहीं है, ना किसी ने कोई दिक्कत की है कि हाँ कि आपने यहाँ पर पार्क में साफ सफाई बढ़ गई है। लेकिन हर तरह के लोग हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं आपको बता दूं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दो पहलू होते हैं, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। कुछ लोग इसको अच्छा भी कहेंगे तो कुछ लोग इसको बुरा भी कहेंगे, लेकिन हम अपने तरफ से आप लोगों को यह कह दें कि जिस तरह से इसको मेंटेन किया जा रहा है वह एक अच्छी तरीके। मैं आपको इधर लेकर चलता हूं, यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जिम का भी है। यहां पर जो लोग आते हैं वो लोग कसरत भी कर सकते हैं, व्यायाम भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी के चलते अनलॉक के चलते लोगों की चहल पहल यहाँ पर कम है, यह कहना है यहाँ के आने वाले लोगों का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बच्चा भी इस समय व्यायाम कर रहा है। मैं उनके पास चलूँगा, उनसे बात करने का प्रयास करूँगा, उनके साथ पिताजी भी उनके साथ हैं। आप देख सकते हैं कि ये जिम लगाया गया है यहाँ पर, लगभग करनाल के सभी पार्कों में लगाया गया है, यह सभी पार्कों में लगाया गया। ये देखिए थोड़ी सी छोटी सी टनल बनाई गई है, पेड़ों के चलते मेरे साथ आप देख सकते हैं एक टनल है, इस टनल में से हम लोग निकलते हैं, ये टनल बना दी गई है। यहाँ से आप लोग बरसात के समय बचाव कर सकते हैं, छाया धूप से बचने के लिए आप यहाँ पर बैठ सकते हैं, लेकिन यहाँ से धूप से बचने के लिए यहाँ पर गुंबद ऑलरेडी मौजूद हैं। लेकिन अब मैं आपको इस टनल के बीच में से ही लेकर चल रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इस तरह से टनल बनाई गई है। ये देखिए भैया टनल यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। देखिए देखिए छोटा सा बच्चा, एक छोटी सी गुड़िया व्यायाम कर रही है, मैं इनसे बात करूँगा। बेटे आपका नाम क्या है? बेटे आप यहाँ पर क्या करने आए हो? घूमने आए हो? आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? ये गुड़िया थोड़ा सा हिचकिचा रही है कि मैं इनके पिताजी से बात करने का प्रयास करूंगा। सर आप यहाँ पर कैसे हैं? ये इसको घुमाने के लिए लेके आया था। सर कैसा लग रहा आपको पार्क में? अच्छा नहीं लग रहा। वजह? भीड़ भाड़ ही नहीं है। अच्छा भीड़ भाड़ नहीं है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे बच्चे तो एंजॉय कर रहे हैं। हाँ इनका ये कहना है कि चहल पहल कम है इसलिए एंजॉय नहीं कर पा रहे, लेकिन वैसे साफ सफाई और हर चीज़ मुकम्मल है, हर चीज़ दुरुस्त है। मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, इस तरफ गुंबद की तरफ लेकर चलता हूँ। देखिए गुंबद के नीचे भी कुछ लोग बैठे हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करूँगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा तो कुछ बुरा। लेकिन जिस तरह से इसको लगातार दिखाया जा रहा है, लगातार हम इसको आपको दिखाते आ रहे हैं, लगातार बताते आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ये लोग आराम भी कर रहे हैं। देखो कुछ लोग इस छाया में यहाँ पर आराम से लेटे हैं, इन्हें कहीं और चैन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पेड़ों की छाया के नीचे ये लोग आराम करने के लिए डटे हुए हैं। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ एक पेड़ के पास एक गुंबद बना हुआ है, जहाँ पर दो युवा बैठे हैं जो कि आराम से बातें कर रहे हैं। वो लोग देखिए बैठे हैं, ये देखिए आप देख सकते हैं कि इन्होंने ये चल चुके हैं। मैं आपको और गुंबद का दृश्य आपको दिखा दूं यहाँ पर किस तरह से है। अब आपको लेकर चलते हैं हम, यही वो एक वो ऐतिहासिक जगह मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं एक और ये ऐतिहासिक जगह है जिसके लिए यह मंदिर जाना जा, जिसके लिए यह करणताल पार्क जाना जाता है, यही वो स्तूप है। और ये देखिए किस तरह से यही वो ऐतिहासिक जगह है जिसके लिए करणताल पार्क जाना जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य देवता की प्रतिमा बनी हुई है, क्योंकि वो सूर्य देवता के पुत्र कहे जाते हैं, सूर्य देवता के पुत्र हैं राजा करण, इसलिए यहाँ पर एक ऐतिहासिक स्मारक बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको राजा करण की वो विशालकाय प्रतिमा जिसे 2016 में यहाँ पर जनता के लिए लगाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से विशालकाय प्रतिमा है।
तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि इस समय हम मौजूद हैं करनाल के करनताल पार्क में। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यहां पर राजा करण अपने वजन के मुताबिक प्रतिदिन सोना दान करने के बाद, सरोवर में स्नान करने के बाद यहां पर स्थित 5 मंदिरों में पूजा अर्चना करते थे। और उन्होंने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की तरफ से लड़ा था, कौरवों की तरफ से। यहाँ पर उनका सैन्य शिविर भी था। उसके बाद करनाल के स्थित लगते अमीन में भी यहाँ पर लड़ाई हुई थी। इस वजह से भी यह करनाल जाना जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि जब इसको बनाया गया था तब उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल थे, उनके सहयोग से, और करनाल की नगर पालिका के सहयोग से। उस समय नगर पालिका थी, नगर पालिका के सहयोग से इसका निर्माण किया गया था। लेकिन अब पुनः से इसको सौंदर्यीकरण किया गया था, जिसकी स्थापना 14 दिसंबर 2016 को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर और उस समय के मौजूदा सांसद रहे अश्विनी चोपड़ा और करनाल की मेरे रेणुबाला गुप्ता द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। दोस्तों मैं इस समय मौजूद हूँ करनताल पार्क के पास स्थित कुछ दुकानों के पास। यहाँ पर कुछ दुकानदार मेरे साथ एकत्रित हैं। मैं सबसे पहले इनसे जानने का प्रयास करूँगा। अंकल जी, सबसे पहले आपका नाम? हरबंस लाल। अंकल जी, जो पार्क बनाया है सरकार ने दोबारा से, इसका वो कर दिया, सौंदर्यीकरण कर दिया, अच्छे अच्छे फूल लगा दिए, अच्छे अच्छे गुंबद बना दिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? अच्छी अच्छा पहले तो माहौल था, ये लॉकडाउन की वजह से ही थोड़ा सा सिस्टम खराब हुआ है। पहले तो बढ़िया माहौल था यहाँ पे, मतलब पहले जनता काफ़ी आती जाती है। जनता अब भी शुरू हो गई है थोड़ी बहुत आने, जनता तो आनी शुरू हो गई है अब तो। अभी नहीं खुल गया, अब तो खुल गया है बाबू जी। पहले तो पीछे बंद था ना जी लॉकडाउन की वजह से, अब खुला है मेरे को 2-3 दिन 4 दिन से जी। अब आने जाने लगे, शाम को चहल पहल दोबारा शुरू हो? नहीं इतनी नहीं है जी, अभी तो 5-10% ही है जी। हाँ जी, ज़्यादा नहीं है। शुरू में बना था तब इसका कैसा माहौल था? बहुत बढ़िया माहौल था जी, कम से कम भी इतना रश रहता था, बहुत बढ़िया रश रहता था। अब तो कोई किसी तरह की कोई परेशानी, वैसे परेशानी तो कोई नहीं है, सिर्फ जनता कम आती है वो है बस, सिर्फ जनता कम लॉकडाउन की वजह से बच्चों को आने नहीं देते घरों वाले। देखिए वही बात है, वही मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि लॉकडाउन की वजह से लोग अपने बच्चों को पार्कों में नहीं आने दे रहे। इनका कहना है कि जब भी शुरू में जब इसका पुनर्निर्माण किया गया था, सौंदर्यीकरण किया गया था, तब यहाँ पर भरपूर जनता आती थी, अच्छी खासी चहल पहल होती थी। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा, सर आप इस पार्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपको कैसा लगा कि हाँ इस पार्क का पुनर्निर्माण कर दिया, करण की प्रतिमा लगा दी गई, बच्चों के लिए एक संदेश भी है, क्योंकि करण की धरती एक ऐसी धरती है, यहाँ पर सबको पता है कि वो अपने शरीर के भार के बराबर प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान किया करते थे। अब इस पार्क के बारे में आपका कहना चाहिए कि सरकार ने जो प्रयास किया है 4 साल पहले, सकारात्मक है कि? सरकार ने जो प्रयास करा है वो बहुत अच्छा करे है, और कार्य भी अच्छा चले है सारे कुछ, कोई ऐसी इतनी दिक्कत नहीं आई कभी भी। लोग बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते थे, अब लॉकडाउन की वजह से सारा कुछ बंद है। अभी पीछे कई लोग आ रहे थे तो उनको मना कर रहे थे भी अंदर नहीं जाना पार्क में। अब जैसे अब खुला है 1-2 दिन में, तो अब लोगों को पता लगेगा ऐसा ऐसा, फिर लोग अपने बच्चों को लेके आएंगे। जब ये शुरू में बना था 2016 में, तब यहाँ पर लोगों की चहल पहल कैसी रहती थी? फिर तो बिल्कुल लोग जाते नहीं थे अंदर पार्क के अंदर। नहीं नहीं, जब शुरू में, जब ये 2016 में नया बना था पार्क, उस समय लोग आते थे, कितने को लोग आते थे? उस टाइम बहुत लोग आते थे, देखने आते थे लोग। इनका ये कहना है कि इस पार्क को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते और वैश्विक महामारी कोरोना के चलते यहाँ पर इस पार्क को भी लोगों के आने के लिए बंद कर दिया गया था। लेकिन अब कुछ दिन पहले ही से जनता के लिए खोल दिया है, लेकिन पहले की तरह चहल पहल यहाँ पर नहीं है। हाँ इक्का दुक्का लोग जो आते हैं वो शाम को सैर करने के बहाने आते हैं, सैर करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं दिखाई दे रही। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा, बाबू जी आप इस पार्क के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर आप क्या कहना चाहेंगे इस पार्क के? नहीं अच्छा बन गया है पार्क तो। अब जैसे आपके पड़ोस में ये पार्क है, अभी आपके पड़ोस में ये पार्क है, हाँ जी, अभी तो चलो फिलहाल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी चल रही है, लोगों का आना जाना कम है। जब ये बना था उस समय क्या स्थिति रहती थी? उस टाइम तो बहुत बढ़िया था, पूरी रौनक हो गई थी, मार्केट में पूरी चहल पहल हो गई थी, पार्क में भी अंदर लोग वॉक भी करते थे, एक्सरसाइज मशीनें भी लगी हुई हैं, बहुत अच्छा लोग अपना मजे से आ रहे थे। लगभग करनाल के 70-80% लोग यहाँ देखने के लिए आए थे फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम। संडे के तो बहुत रश होता था यहाँ लॉकडाउन के चलते। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा, वैश्विक महामारी कोरोना के चलते कुछ लोगों की चहल पहल यहाँ पर अभी फिलहाल कम है, लेकिन इनका ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में स्थिति में सुधार होते, यहाँ पर पहले की तरह लोगों की चहलकदमी शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने बच्चों के साथ वॉक करने आते हैं, एक्सरसाइज के लिए जिम भी तैयार किया गया, बच्चों के लिए स्विंग्स भी लगाए गए हैं, यानी कि बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, और जब शाम को फुहारे चलते हैं तो उसकी उनकी ठंडक से आसपास का माहौल भी पूरी तरह से ठंडक हो जाता है। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।